सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, माय सर डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक हमने पढ़ लिया था थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शंस। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि के अंदर एक और सेल स्थित होती है जिसका नाम होता है पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स, जिसके द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन मुक्त किया जाता है। उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और इसके जो फंक्शन होंगे थायरोकैल्सिटोनिन के, इसके जस्ट अपोजिट जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के। तो आप किसी एक के फंक्शन याद कर लो, या तो थायरोकैल्सिटोनिन के कर लो या पैराथायराइड के कर लो, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे को। एक कैल्शियम बढ़ाएगा ब्लड में, एक घटाएगा। एक फॉस्फेट को ब्लड में बढ़ाएगा, एक फॉस्फेट को ब्लड में घटाएगा। तो अपोजिट एक्शन, तो किसी एक के याद रखो, दोनों के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है ना, एक के याद करके उसका उल्टा कर लो, दूसरे को देखो ही मत आप पे बिल्कुल। ओके, तो अपन शुरू करते हैं सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं। है ना, पहली बात, इससे थायरो कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन, क्लियर, या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन मुक्त होता है। क्लियर, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन मुक्त होता है। अब आप इस कैल्सिटोनिन के जो फंक्शंस है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये क्या करता है, देखो, एक तरफ मैं बना रहा हूं बोन, क्या बना रहा हूं, दो का ये सारा खेल, एक तरफ बना रहा हूं मैं बोन और एक तरफ बना रहा हूं मैं ब्लड की ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड, ब्लड में, ये तो बोन में और ये ब्लड में। जो ये टीसीटी जो है, ये क्या करता है, बोन में से, सॉरी, ब्लड में से कैल्शियम को लेके आ जाता है। कहां कैल्शियम है, इधर इस कैल्शियम को पकड़ के किधर लेके आता है, ये बोन में लाता है, यानी बोन में कैल्शियम को बढ़ाता है जबकि ब्लड में कैल्शियम को घटाता है। समझ रहे हो आप, इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा, फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट को लेकर आता है किधर, बोन से ब्लड में, यानी ब्लड के अंदर पीओ फोर माइनस को बढ़ाता है, इधर कम करेगा इधर बढ़ाएगा, क्योंकि इस तरफ आ गए, बात समझ रहे हो, वेजन बैटरी मेरी, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। पहली बात, ब्लड में कैल्शियम को क्या करेगा, ये घटाएगा, इसलिए इसको अपन कहते हैं हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। क्या कहते हैं, किसी में ये आता है किसी में नहीं आता, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो हाइपर फॉस्फेटेमिया कॉज करता है, ध्यान रखना, हाइपर फॉस्फेटेमिक हार्मोन है ये, ध्यान रखना। समझ गया आप मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ब्लड में कैल्शियम को तो घटाएगा, फॉस्फेट को बढ़ाएगा। अब आप सोचो और क्या करता है ये, मसल में संकुचन, कैल्शियम तो सबके लिए आवश्यक है आपको पता है। दूसरी बात, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण को घटाएगा, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम कहीं से भी नहीं आना चाहिए, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, घटाएगा। किडनी से, जहां जहां से कैल्शियम आ सकता है शरीर में, सब जगह कम कर दो आप, तो किडनी से कैल्शियम के अवशोषण को घटाएगा। ये देखो सब जगह से कुल मिला के ब्लड में कैल्शियम ओवरऑल कम हो रहा है, यूरिन में कैल्शियम के स्त्रवण को बढ़ाएगा, मूत्र में ज्यादा जाएगा, अगर किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम होगा कैल्शियम का, एक मिनट, रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण को घटाएगा, यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉडी से कुल मिला के बात यह है, ब्लड में कैल्शियम को आ जाओ घटाना, ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम को घटाएगा, ये इसका मेन पर्पज है भाई, ध्यान रखना, क्लियर। तो अब इसके अंदर आप देखो और ये क्या करेगा, आपके देखो
जो हड्डियों को बनाती है उस सेल को अपन क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। आपने पढ़ा होगा ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ओस्टियोब्लास्ट की अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो हड्डी निर्माण की प्रक्रिया ठीक है बढ़ेगी, हड्डी ज्यादा मजबूत करता है, ब्लड में कैल्शियम घटाता है और बोन को मजबूत करता है। ये आपने जो फंडा लिख रहा हूं ना मैं आपको, ये याद रखना आपको, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है ना। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को तो बढ़ाएगा, लेकिन ओस्टियो जो हड्डियों को नष्ट करती है उस सेल का नाम क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है मैंने आपकी, ये लीजिए। ये सारी उल्टी करनी है आपको किसके अंदर, दूसरा हार्मोन जो इसका विरोधी है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। कैल्शियम को लेकर आता है कौन, कौन सा हार्मोन है, टीसीटी और पीटी है जिसके विरोधी होगा। ये लिखिए आप फटाफट, फिर लगाइए आप पैराथायराइड ग्लैंड। जल्दी कीजिए भाई, ये थायराइड ग्रंथि यहां पर समाप्त हुई आपके, काफी लंबी है थायराइड और पिट्यूटरी और अपने एक ग्लैंड और आएगी जो लंबी है वो एड्रिनल, तीन ही बड़ी है बाकी तो सब छोटी छोटी ग्लैंड है। उनकी लोकेशन और उसके फंक्शन याद रखने आप, हार्मोन के सिर्फ फंक्शन ही याद होने चाहिए। चलिए सर अब आप बैडिंग लगाइए, पैराथायराइड ग्रंथि, ये ग्लैंड नंबर आपके शुरू हो गए, देखो हाइपोथैलेमस हो गया कंप्लीट, एक मिनट, हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया, पिट्यूटरी कंप्लीट हो गई, थायराइड कंप्लीट हो गई, अब अपन ले रहे हैं कौन सी, पैराथायराइड। ओके चलिए, कितने नंबर हो गई, एक दो तीन और चार, नेक्स्ट लगाइए चार नंबर पैरा थायराइड ग्लैंड, क्लियर। पहली बात यह है संख्या में टू पेयर्स, दो जोड़ी होती है जो थायराइड ग्लैंड के पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ का मतलब होता है पीछे, डोर्सल, डोर्सल सतह पर उपस्थित होती है। इसका इससे मुक्त होने वाला हार्मोन पैरा थायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन होता है जो बिल्कुल टीसीटी के विरुद्ध कार्य करता है। यानी मैं कह सकता हूं टीसीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीटीएच हार्मोन, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, क्लियर। चलिए साहब फटाफट ये लिखिए क्या क्या फंक्शन करेगा वो आपको मैं बता दूंगा, जो थे बिल्कुल वैसे ही करना आपको।
एक और हार्मोन इस नाम का, या इसको अपन एक वैज्ञानिक ने खोला था, खोजा गया था, उसका नाम है कोलिप, नाम होता है कोलिप हार्मोन भी कहते हैं इसको, कोलिप हार्मोन। ठीक है, चलिए साहब ये लिखिए फटाफट, फिर अपन इसके फंक्शन लिखते हैं। चलिए साहब अब इसमें देखो सेम वही करना है आपको, एक तरफ क्या बनानी है बोन, ये आ गई बोन, और एक तरफ बनाना है ब्लड, ब्लड वेसल, आ गया ब्लड, ये आ गई बोन, क्लियर। अब ये क्या करता है, उल्टा करता है काम, इधर से इधर लाएगा किसको, कैल्शियम को, और फॉस्फेट को इधर से इधर लाएगा, है ना। तो इधर तो कैल्शियम क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा, लेकिन ब्लड में फॉस्फेट को क्या करेगा, कम करेगा, ये समझ रहे आप, बोन में कम होगा इधर ज्यादा होगा, उल्टा काम हो गया, बिल्कुल उल्टा काम हो गया। बीच में क्या लिखो, अपने क्या लिखो यहां पर, PTH, PTH हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, कोलिप हार्मोन, पैराथार्मोन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, बोन में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है, सही बात है। नेक्स्ट, ब्लड में फॉस्फेट को क्या करता है, कम करता है, बिल्कुल, बोन में फॉस्फेट को बढ़ाता है, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो होगी कहानी, कुल मिला के ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब हाइपर कैल्सी कैल्सी मिया होगा, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, हाइपर, और ब्लड में कम होगा तो ये हो जाएगा हाइपो फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेटेमिया, ये हो गया हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्लियर बात। अब आप इधर देखिए क्या क्या फंक्शन होंगे, वही ले लो आप इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा लेना है, बढ़ाओ। किडनी से भी क्या करेगा, किडनी से भी कैल्शियम का पुनरावशोषण को अपन क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, बढ़ाएगा, सही बात है। तीसरा, यूरिन में कैल्शियम के सर्जन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, वो क्या करेगा, कम करेगा, समझ रहे मेरी बात। अगला, बोन का क्या कर रहा है, ये तो खंडन कर रहा है, ये बोन का खंडन करता है, अर्थात ऑस्टियो ब्लास्ट की एक्टिविटी को तो क्या करेगा, ये उल्टा कर दो, बोन बनने को कम करता है, तथा ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को नष्ट करती है की एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ये देखो सारे इफेक्ट आ गए, सब अपोजिट कर दिया, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट आता है, इन सारी बातों का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, ब्लड
कैल्शियम लेवल बढ़ता है, ब्लड फॉस्फेट लेवल लेवल क्या होगा, कम होता है। क्लियर है? यानी हड्डी कमजोर होती है, बोन क्या होती है, बोन वीक होती है। लिखिए फटाफट, ये सारे इसके अपोजिट फंक्शन है सारे के सारे। अब इसमें कोई डिजीज है, अगर ज्यादा सीक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी अपन डिजीज कर लेते हैं कुछ इसकी, फिर इसको अपन विदा करते हैं, ग्रंथि को शुरू करते हैं, नई ग्रंथि। जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए, बिल्कुल अपोजिट है, तो पीटीएच के याद कर लो, चाहे आप उसके याद कर लो, ठीक है। यानी कुल मिला के एक रट के रखना है, ब्लड में कैल्शियम लेवल पीटीएच बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल पीटीएच बढ़ाता है। या टीसीटी का याद कर लो, वो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं वो डिजीज की। जैसे मान लो अपन बात करें पीटीएच जो हार्मोन है, इस पीटीएच का ज्यादा स्त्रवण हो जाए, बोले तो हाइपर सीक्रेशन, सुनना बिल्कुल, इसको मैं आपको दिमाग में बैठा, पीटीएच का हाइपर सीक्रेशन तथा टीसीटी का, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कह रहे हैं, टीसीटी का हाइपोसीक्रेशन, बात समझ रहे हो, इसका तो स्त्रवण ज्यादा है, इसका स्त्रवण कम है, तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन में ये होगा तो आपको पता है बोन के अंदर कैल्शियम कम होगा। कुल मिला के बात ये है, ये बोन है, इसमें कैल्शियम निकल कर किसमें आएगा, ब्लड में आएगा, और कहाँ जाएगा, इधर आएगा। ये बोन में कैल्शियम कम होगा, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, पीटीएच बढ़ाता है, तो ये ज्यादा होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा तो हड्डियां कमजोर होगी, बोन क्या होगी, बोन कमजोर होगी, और तो क्या होगी। क्लियर? और उसकी वजह से कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा, या फाइब्रोसिस्टिका, या फाइब्रो होगा कि नहीं होगा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो कैल्सिफिकेशन बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा होगा तो। क्लियर? अगर इसका मैं उल्टा करूं, क्या हाइपर सिक्रेशन ऑफ टीसीटी, उल्टा कैसे, पीटीएच कम बोले तो हाइपोसिक्रेशन अल्पस्त्रवण तथा टीसीटी का अतिस्त्रवण यानी कि हाइपर सीक्रेशन, तो क्या होगा, कंडीशन उल्टी होगी कि नहीं होगी। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, कंडीशन उल्टी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा पता ही आपको, बोन ब्लड, सही बात है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम लेवल बोन के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही बात है, ब्लड में कम, बोन में ज्यादा। अगर बोन में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, बोन की आकृति
विकृत हो जाएगी, क्या करती है बोन की आकृति विकृत हो जाएगी, बोन की आकृति क्या हो जाएगी विकृत हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी बोन, विकृत हो जाएगी। क्लियर। एक चीज और आने पीटीएच, पीटीएच किडनी पर भी एक्ट करता है और विटामिन डी के सिंथेसिस को बढ़ाता है। पीटीएच, पीटीएच तो बोन का फ्रेंड है, ध्यान रखना, विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ाता है, कहां से, स्किन के द्वारा। ये लीजिए नोट, ये लिखिएगा। चलिए ये हो गए आपके डिजीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये लिखिए फटाफट, फिर अगली लगाइए आप ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट लगाइए पीनियल ग्लैंड। चलिए सर, नेक्स्ट लगाइए आप ग्लैंड नंबर 5, नाम है पीनियल। इसको अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। ओके, सबसे पहले बात इसकी जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेन के अंदर है, तो पहले बता दिया था मैंने आपको क्या होगी, एक्टोडर्मल ओरिजन ब्रेन के अंदर ही है, पिट्यूटरी पीनियल। अब नंबर आया है पीनियल का, यह है डाइन सिफेलोन के एपिथेलेमस, कौन सा एपिथेलेमस, ब्रेन में पढ़ाया मैंने आपको, एपिथेलेमस भाग से जुड़ी होती है, एपिथेलेमस के अंदर होती है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथेलेमस के अंदर होती है, जुड़ी रहती है। क्लियर। दूसरी बात, इससे मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर, जिसे फेयर एंड लवली हार्मोन कहते हैं, तो ये रंग को गोरा करता है। नेक्स्ट, ये मिलेनिन कण के सिंथेसिस को स्किन में कम करता है, जिसके कारण स्किन कलर, त्वचा का रंग क्या होता है, फेयर होता है। बैठ गई वेरियम बात। नेक्स्ट, डार्क में मेलाटोनिन का संश्लेषण बढ़ता है,
नहीं डार्क में तो दिखती है, डार्क में तो कम होगा मेलाटोनिन का, डार्क में, डार्क अंधेरा है, अंधेरे में तो फिर कलर फेयर होगा ना, तो बढ़ जाए, बढ़ा दो, बढ़ता है, जबकि लाइट में तेज प्रकाश होगा तो एम वो ज्यादा हो जाएगा, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन में मेलाटोनिन का संश्लेषण कम होता है, ध्यान रखना ये। क्लियर सही बात है। चाइल्ड में मेलाटोनिन ज्यादा होता है इसलिए कलर उसका फेयर होता है, जबकि एडल्ट हमारे अंदर मेलाटोनिन का कलर कम होता है इसलिए रंग थोड़ा डार्क होता है। मेलाटोनिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये दीजिए सर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। क्लियर, यहां तक लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए साहब, ये लिखिए आप पहली बात कि 10 से 13 साल की एज में पीनियल ग्लैंड, 10 से 13 साल की एज में पीनियल ग्लैंड के अंदर में कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव होने लग जाता है। जमाव होने लग जाता है और इसे ब्रेन सैंड, मस्तिष्क की राख, ब्रेन यानी मस्तिष्क, सैंड यानी राख, ब्रेन सैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड के यानी पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने के बाद प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था, प्यूबर्टी या यौवन अवस्था आना प्रारंभ होती है। ओके, यानी ये जब तक पीनियल ग्लैंड आपके रहेगी तब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी, इसलिए इसको अपन एंटी गोनोडल यानी गोनोड्स टेस्टिस और ओवरीज डेवलप नहीं होती है, यही कारण है इसका। ठीक है ना, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। पीनियल आ गया ना, ये तो बिल्कुल उसके बाद में सक्रिय होगी, उससे पहले तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, ये लिखिए आप, फिर इसके कार्य लिखिए आप। कार्य, पहला कार्य जैविक घड़ी कहते हैं इसको, पर बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये डायूर्नल जिसको अपन कहते हैं दैनिक दिनचर्या को नियमित करती है, का नियमन करती है, यानी कि अर्थात स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, यानी कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, रात को नींद आती है अपन को, दिन में अपन जगते हैं,
है ना, इस तरह से जो ये सेट हुआ हुआ है माइंड के अंदर, भी रात को ही सोना है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप अदर कंट्रीज या ब्रिटिश कंट्रीज में जाओगे, मान लो आप लंदन चले गए, तो वहां पर आपको पता है डे और रात और दिन का जो कर्म है, समय का जो, जैसे अपन सुबह यहाँ पर कहते हैं 6 बज गए, वहां 6 बजे रात रहती है, तो ये जो कर्म है वो वहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस भी चेंज हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए 5-7 दिन पहले जाके वहां पर सोने की आदत डालनी पड़ती है। जैसे मान लो इंडियन क्रिकेट टीम लंदन जा रही है इंग्लैंड से खेलने के लिए, तो डेफिनेटली उसको 7-8 दिन 10 दिन पहले जाना पड़ेगा, ताकि उनको बायोलॉजिकल सेट हो जाए। तो वो क्या, जब मैच खेलना हो तब तो सोते रहेंगे, और जब मैच नहीं खेलना हो, जब पूरा लंदन सोएगा तब हम जागेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। तो उसको एडजस्ट करने के लिए पहले जाना, तो ये सारा काम किसका होता है, इसी का होता है। इसलिए इसको अपन बायोलॉजिकल स्लीप यानी जगना जागना साइकिल को कंट्रोल करती है, कब सोना है कब जगना है, ठीक है। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। मेन तो हाइपोथैलेमस करता, लेकिन थोड़ा सा रोल इसी का ही, क्योंकि हाइपोथैलेमस के बगल में ही है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है ना। फिर बात करें अपन कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वो तो बात सही है। साथ ही मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करती है, ध्यान रखना करती है, क्योंकि FSH के ऊपर इसका बहुत तगड़ा इफेक्ट है। किसका? मेलाटोनिन का। अगला कार्य, कितने कार्य हो गए देखो, 1, 2, 3, 4 त्वचा का रंग यानी स्किन कलर, इसको अपन बोलते हैं पिगमेंटेशन, को भी कंट्रोल करती है, ध्यान रखना को भी कंट्रोल करती है। और पांचवा, ये हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाती है, प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। ये 5 इसके मुख्य कार्य होते हैं। क्लियर? ये आपके कंप्लीट हो जाती है। कौन सी ग्लैंड? यस, ओके गाइस, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल जब पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड पूरी करने के बाद में अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ये अपना टारगेट रहेगा, सबसे बड़ी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल आपसे वापस। थैंक यू।